गाइस फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग से बात करने वाले हैं और बलिया लेक एक्सप्रेसवे DPR के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं, जो कि अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते रहने से पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के थोड़ा सा ज़्यादा जो कि समय लग सकता है DPR मार्ग जो है तय करने में, जो कि तय हो चुका है, अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, बाकी जो है तैयार हो गया है। इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगी, साथ ही में निर्माण एजेंसी का चयन होगा। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त रकम जुटाई गई है, जो कि अब 30 किलोमीटर का होगा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। असल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गाजीपुर हैदरिया में ख़त्म हो गया है। यहाँ से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की दूरी 51 किलोमीटर है, जो कि बलिया 51 किलोमीटर है वहाँ से, जो कि जहाँ पे हैदरिया से बलिया की दूरी जो है 51 किलोमीटर है, और यहाँ से राष्ट्रीय मार्ग 31 से जोड़ा गया है, और इसे गाजीपुर से झांसी घाट बाया और बलिया एक अन्य ग्रीन फील्ड मार्ग को 6 लेन बनाकर बलिया तक जोड़ा जाएगा, जो कि पहले 4 लाइन था, अब उसे 6 लाइन फिर तय कर दिया गया है, उस पर डिस्कस भी कर दिया गया है, अब इसे 6 लाइन बनाया जाएगा। और बात करते हैं परियोजना नाम भी दिया गया है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इस परियोजना का नाम दिया गया है। इसी साल के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक जोड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि DPR भी तैयार भी किया गया है, लेकिन दोस्तों उस पर डिस्कस नहीं किया गया है, बाकी जो है सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे में, जो कि बहुत सारा रूट भी दिया गया है, जो कि दोस्तों अगर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से गाजीपुर की दूरी 260 किलोमीटर पड़ेगा, आजमगढ़ की दूरी जो है यहाँ से 134 किलोमीटर, और लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा 340 पहले था, अब लेकिन दोस्तों वहाँ से 370 कर दिया गया है, अब जो है बलिया लखनऊ की दूरी जो है 370 किलोमीटर का हो जाएगा, अगर बलिया से आप डायरेक्ट लखनऊ के लिए सफ़र करते हैं तो। और दोस्तों बता दें बलिया जो है पहले 50 जो कि 90 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है तो जो है 390 किलोमीटर पड़ेगा, जो कि 370 किलोमीटर पड़ेगा, और टोटल जो है 370 किलोमीटर। जो कि बात करते हैं सफ़र में, तो वहाँ से जो है 4.5 घंटे की सफ़र रहेगी लखनऊ पहुँचने में, जो कि आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से। और दोस्तों बात करते हैं फैजाबाद 200 किलोमीटर वहाँ से, जो कि 200 किलोमीटर से और भी अधिक पड़ जाएगा, जो कि आपको आने जाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप बलिया लिंक एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर होते हुए आप एग्जिट लेकर जा सकते हैं, जो कि कूड़े भाग के पास से एग्जिट दिया गया है, वहाँ से आप आराम से जा सकते हैं इलाहाबाद और कूड़े भाग सारा वहाँ से आपको व्यवस्था मिल जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जो कि ग्रीन फील्ड होगा, पहले 30 किलोमीटर का था, अब उसे 40 किलोमीटर का भी डिस्कस किया जा रहा है, जो कि 40 किलोमीटर का भी बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बातचीत चल रहा है अभी, लेकिन कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों अभी उसका जो है हमारे पास आया नहीं है फाइल, जो कि अगर आ जाएगा तो आप लोग को हम पूरा बता देंगे। और बात करते हैं दोस्तों लखनऊ से गाजीपुर तक बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक जोड़ा गया है, इसके लिए एक अलग से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की करने की तैयारी थी, लेकिन अब कर दिया गया है अब कंप्लीट, जो कि इस परियोजना को ऐलान भी किया गया है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए, जो कि 6 लेन बनाया जाएगा। इस परियोजना का सबसे सरकार ने किया, जो कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर बहुत ही ज़्यादा फोकस योगी सरकार ने, अगर जो है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तैयार हो जाता है तो क्योंकि सरकार को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप वीडियो आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जो कि गाँव की लिस्ट है, अधिग्रहण की बात करते हैं तो अगर अधिग्रहण होना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों 75% कार्य पूरा होने पे जो है कार्य चालू कर दिया जाएगा, 75% अधिग्रहण हो जाएगा। तो